नमस्कार, मैं हूं राकेश काला और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। आज के जन सदन का मुद्दा है अतिक्रमण पर प्रशासन का तोड़ा, और इसी विषय चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। उमा सुगा जी, आप प्रवक्ता हैं। उमा जी, आईटीवी हिंदुस्तान परिवार आपका स्वागत करता है। मनमोहन लखेड़ा जी, याचिका करते हैं। मनमोहन लखेड़ा जी, आईटीवी हिंदुस्तान परिवार में आपका स्वागत है। सबसे पहले उमा जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। उमा जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें अतिक्रमण, क्योंकि चुनाव भी इस वक्त सर पे है, सरकार पहले अतिक्रमण होने देती है, उसके बाद अतिक्रमण को हटाती है। हम बात करते हैं कि गरीबों के आसियाने उजड़ जाते हैं, या सरकार जो लोग वहां रोजी रोटी कमाते हैं उनकी रोजी रोटी बिखर जाती है। हम बात करते हैं, सरकार ने एक नया नियम लाया है कि अगर कोई भी फुटपाथ पे अतिक्रमण करेगा, अपनी दुकानदारी चलाएगा, तो 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उसको देना पड़ेगा पेनल्टी। मुद्दा या प्रश्न ये भी उठता है कि जिसकी कमाई रोज की 2,000 है, रोज 10,000 रुपए कैसे दे पाएगा। कई मुद्दे वहां पे खड़े होते हैं, कई प्रश्न वहां पे खड़े होते हैं। हालांकि सरकार ने यह कहा है कि 3 चेतावनी दे गया, तीनों चेतावनी के बाद अगर वो व्यक्ति नहीं माना तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा। और जहां तक दुकानदारों के लिए, जिन्होंने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया, तो उसकी 3 चेतावनी के बाद उसकी दुकान सील कर दी जाएगी। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि जो सरकार ये नए नियम लाए हैं, या जिस तरीके से लोग अतिक्रमण, अगर हम प्रेमनगर की बात करते हैं, NH-17 की, वहां उन्होंने 70 अतिक्रमण हटाए हैं। शासन प्रशासन ये दावा करता है कि 9,000 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 5,000 हटा चुके हैं, 4,000 अभी बाकी रहते हैं। 15 दिन का टाइम दिया गया है, उसके बाद तेजी के साथ कार्रवाई की जाएगी। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि अतिक्रमण हटाने की बाबत क्यों आती है, ये सरकार होने ही ना दे। देखिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो मैं फिर कहना चाहूंगी कि हमारे रगों में जो भ्रष्टाचार अंदर तक घुस चुका है, उसका सबसे बड़ा कारण है। हमारे यहाँ जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज होती है वो अलग होती है, हर जगह रूल्स तो यही बने हुए हैं, और जो आप कमर्शियल काम करेंगे वो आप अलग करेंगे। लेकिन अगर आप जाकर देखिए, कितनी रेजिडेंशियल कॉलोनीज में लोगों ने घरों में अपने घर के सामने, घर के आगे उन्होंने दुकानें खोली हुई है। पिछले 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल से इस तरह की दुकानें चल रही है, और इसी वजह से पूरे देहरादून में जो अतिक्रमण हुआ है, गलियों में, छोटी दुकान सड़कों पे, वो इसी वजह से हुआ है। किसी अथॉरिटी ने उस समय ध्यान नहीं रखा। 15-20 साल तक भी MDDA ने कोई ध्यान नहीं रखा, नगर निगम ने कोई ध्यान नहीं रखा कि भाई ये दुकान क्यों खुली हुई है यहाँ पर, ये दुकान अब तक क्यों है। मैं लखेड़ा जी को बधाई देना चाहूंगी कि जिनकी वजह से, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लेकर आया, उसके बाद अतिक्रमण पर सरकार ने काम करना शुरू किया। तो ये सरकार जो अभी काम कर रही है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश है, अदरवाइज तो सरकार अगले 100 साल तक भी सोती रहती, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। क्यों? क्योंकि अतिक्रमण उन्हीं के नाक के नीचे हुआ है, लोगों ने उन्हीं को ठेंगा दिखाते हुए, सरकार की जो अथॉरिटीज है, नगर निगम है, MDDA, उन्हीं को ठेंगा दिखाते हुए लोगों ने अतिक्रमण वहां पर किया है। अब उनकी मजबूरी है कि उनको अतिक्रमण सरकार हाईकोर्ट के आदेश की वजह से, उनको या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से उनका अतिक्रमण तोड़ना पड़ रहा है। रही बात जनता की रोजी रोटी की, या जनता, जो गरीब जनता है वो इस समय, मैं इसमें देखिए वैसे परेशानी तो गरीब जनता को जरूर होगी, जिन्होंने अपना 20-50 लाख रुपए लगा के अतिक्रमण भी किया, दुकान को आगे भी बढ़ाया, उन्होंने लेंटर भी डाला, लेकिन जो गलत है वो गलत है, वो अपराधी हैं, अतिक्रमण करता अपराधी हैं। मैं तो बिल्कुल उनको अपराधी कहूंगी, क्योंकि उनकी वजह से शहर में कितने जाम की स्थिति है, कितने एक्सीडेंट्स की स्थिति होती है। इस समय आप जाके पटना बाजार में देखिए, पटना बाजार थोड़ा खुला खुला नजर आता है। कल मैं मोती बाजार की तरफ गई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मोती बाजार में दुकानें अंदर थी, स्कूटर आप आराम से निकाले, कार की बात नहीं कर रहे हो, स्कूटर आप आराम से निकाल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जिस दुकानदार ने अपनी दुकान आगे बढ़ाई वो अपराधी है, क्या जो वहाँ के जेई या एई या जो ऑब्जर्वर है, क्या उन पे भी जुर्माना लगना चाहिए, क्योंकि उनकी आंख के नीचे कार्य मैं बोल रही हूँ, 10-10 साल से, 15-15 साल से वो दुकानें अतिक्रमणकर्ताओं ने वहाँ पे कर रखी है, आपको कभी दिखाई नहीं दिया। जेई एई नगर निगम ने जो भी अथॉरिटीज गवर्नमेंट की, क्या उनको कभी नजर नहीं आया कि इतने सालों से यहाँ पे, और एक दुकानें, हजारों दुकानें। तो मैं कहती हूँ ये भ्रष्टाचार कहाँ तक पहुंचा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको महीने का या 2 महीने 6 महीने राशन पाने को अधिकारी तक पहुंचाते होंगे, इसके अधिकारी ने वहाँ पे आंखें मूंदी हुई है। तो ये सारा मामला भ्रष्टाचार का है, जिसकी वजह से आज देहरादून सांस नहीं ले पा रहा है, और भाई साहब को याचिका डालनी पड़ी, और उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश की वजह से गवर्नमेंट को ये सब करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा उमा जी आपने। मनमोहन जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके का अतिक्रमण हम देखें, गली हो, मोहल्ले हो, फुटपाथ हो, किसी भी जगह की अगर हम बात करें, क्योंकि जेसीबी लेके जो है प्रेमनगर का खासकर, बहुत अगर हम अतिक्रमण की जहां तक बात करते हैं, IMA के पास, वहां पे बहुत ज्यादा इन्होंने दुकानें ढाई है, और आपने याचिका लगाई है,
तो लगता है कि उस याचिका का प्रभाव सरकार के ऊपर हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आपने याचिका लगाई, उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने उसका संज्ञान लेते हुए सख्ती दिखाई है, सरकार को हरकत में आना पड़ा। जी जी जी, देखिए ऐसा है कि देहरादून जो है बहुत शांत शहरों में शुमार होता था, इसलिए बोल रहा हूँ कि आज से आप 20 साल पहले चले जाइए, देहरादून एक बहुत अच्छे क्लाइमेट में बहुत अच्छे वातावरण का शहर होता था। परंतु जब से हमारा राज्य बना और राज्य बनने के बाद जो मशीनरी यहाँ पर काम कर रही है शासन प्रशासन की, उसने अपनी जिम्मेदारियों का पूर्णतः निर्वहन नहीं किया। नदी नालों खालों में जो लोग बसे हैं, जो लोग सड़कों पर अतिक्रमण करके बसे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और जब किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो एक की देखा देखी दूसरे लोग भी अतिक्रमण करते गए, अपनी दुकानें खोलते गए, फुटपाथों पर कब्जाते गए, और मजबूर कौन आदमी रहा? आम आदमी के लिए फुटपाथ बना, फुटपाथ में जो है दुकान काबिज रही और व्यक्ति जो है सड़क पे चलता रहा, एक्सीडेंट के कारण उसके जो है दुर्घटना होती रही, किसी किसी की जान भी जाती रही। और मजबूरी में मुझको जो है, जब मैंने ये सब कुछ प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखा, तो मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि अधिकारी कोई काम करने के लिए राजी नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। आज नदी नाले, आज बिंदाल देख लीजिए आप, बिंदाल का पुल जितना बड़ा है, मेरे ख्याल से अगर उसके नीचे देखा जाए तो नदी बिल्कुल छोटी कर दी गई है, लोग कब्जा करके बैठे हैं, मकान बना के बैठे हैं। तो कौन लोग बस रहे हैं, किसकी जवाबदारी है, प्रशासन में कौन बैठे हैं, डीएम कौन है, एसपी कौन है, कौन नगर निगम है, कौन जो है पीडब्ल्यूडी है, उनकी रोडों को क्यों कब्जा किया जा रहा है, इसकी तरफ कौन ध्यान रखेगा? ध्यान रखा ही नहीं जा रहा, इसलिए अतिक्रमण की समस्या इस देहरादून में बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उमा जी आपके पास आना चाहेंगे, छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे कि अगर हम अतिक्रमण की बात करते हैं, क्या, क्योंकि आप राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ी हुई है, क्या कभी आपने सरकार को जगाने की कोशिश की है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, क्योंकि आप भी इस समाज से जुड़े हैं, समाज से सरोकार रखते हैं, क्या कभी आपकी पार्टी ने या आपने सरकार को नॉक करने की कोशिश की, उनको जगाने का प्रयास किया? नहीं, बिल्कुल हमने जगाने का प्रयास किया। एमडीडीए में जो ट्रांसपोर्ट लेवल में एमडीडीए का जो बड़ा ऑफिस है, वहां पर जाकर आम आदमी पार्टी ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, और सबसे बड़ा रीजन उनका यही होता था, पल्टन बाजार जो ये दूसरे जो मार्केट्स हैं वहां पे आप ये देखिए 20 फीट की पल्टन बाजार की सड़क होगी और कम से कम दोनों तरफ से बीच की गली रह गई, मुश्किल से 5 या 7 फुट की पल्टन बाजार के बीच में गली रह गई थी। अब तो उन्होंने जो पीछे हटाया है, अतिक्रमण जो तोड़ा है, उससे पल्टन बाजार में एटलीस्ट सांस लेने लायक स्थिति है कि हमारे स्कूटर से या अपनी साइकिल से या पैदल आराम से चल सकते हैं। अभी भी पल्टन बाजार में दूसरी बुरी स्थिति क्या है कि जो वेंडर्स वहां पर खड़े होते हैं, वो वेंडर्स अपने छोटे छोटे खूंचे लेके उसमें खूब सारे कपड़े टांग के वो बिल्कुल पल्टन बाजार की गली के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। तो मैं इसमें गवर्नमेंट को फिर कहना चाहूंगी कि उनको इन वेंडर्स के लिए कहीं अलग जमीन अलॉट करनी चाहिए, जिस तरह से चंडीगढ़ में है, वहां पे कहीं भी छोटी रेडियां या इस तरह की छोटे वेंडर्स वहां पे दिखते नहीं है। चंडीगढ़ में जो गवर्नमेंट है, उन्होंने उनके लिए अलग एक छोटा सा मार्केट उनके लिए बनाया है, सारे वेंडर्स को वहां पर शिफ्ट किया है। तो इस तरह का कुछ ना कुछ काम हमारे उत्तराखंड की गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, ताकि जो छोटे वेंडर्स हैं, जो देखिए सबसे बड़ा फेलियर हमारी सरकारों का ही है कि हम एक बढ़ती हुई जनसंख्या को नौकरी नहीं दे सकते। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं स्वरोजगार अपनाओ। अब एक बच्चा जो ज्यादा अमीर नहीं है, पैसे वाला नहीं है, वो बड़ा अपना फाइनेंस का कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, तो वो तो छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालेगा। कम से कम ये लोग अपराधी नहीं है, ये लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, एटलीस्ट ये अपना काम कर रहे हैं। तो सरकार को इनका कुछ ना कुछ ध्यान रखना चाहिए और इस तरह के वेंडर्स के लिए कहीं अलग दूसरी जगह जमीन अलॉट करनी चाहिए और वहां पर इनको एक सम्मानजनक स्थिति में छोटे दुकानदारों को उनकी जमीन देके, जगह देके, दुकान देके, छोटी दुकानें देके एक अलग तरह से मार्केट बनाना चाहिए। इससे आम जनता का भी फायदा होगा, आम जनता को वहाँ पे सस्ती चीजें मिलेंगी और हम लोग वहाँ पे जाके खरीदारी कर सकते हैं और शहर अतिक्रमण से मुक्त होगा। बिल्कुल मनमोहन जी आपके पास आना चाहेंगे। मनमोहन जी अगर हम बात करते हैं अतिक्रमण की, जिस तरीके का अगर वक्तव्य सुने उमा जी का, उमा जी कह रही थी कि पल्टन बाजार में बीचों बीच वो कपड़े बेचने की ठेली लगा देते हैं या अपनी दुकान लगा देते हैं, स्थिति ये हो जाती है कई बार पल्टन बाजार की कि अगर सरकार अतिक्रमण हटवाती है वहां से तो 2 या 3 दिन बाद फिर वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या इसके लिए दोषी केवल वो दुकानदार ही है, क्या वो लोग दोषी नहीं है जिनकी नाक के नीचे इस तरीके का काम हो रहा है, क्या वो लोग कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी से चूक तो नहीं रहे, कहीं ऑफिस में बैठ के वो एसी में बैठ गए हो और इस तरीके का अतिक्रमण होते चले जा रहे हैं, क्या वो भी कहीं आपको दोषी नजर आते हैं मनमोहन लकड़े जी? हाँ देखिए, पहला दोष तो मैं उनका मानता हूँ जो लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, पहले दोषी वो है। और दूसरे दोषी वो है जिनकी नाक के नीचे, जिनकी ये जवाबदारी है इस प्रकार का सड़कों पर अतिक्रमण ना हो, वो लापरवाही बरत रहे हैं और खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
उमा जी ने अभी पटन बाजार की बात करी, मैं सब्जी मंडी की बात करता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सब्जी मंडी में कोई किसी की मतलब तबियत खराब हो जाए तो स्थितियां ये होती थी कि जो है आप जो है एम्बुलेंस को भी नहीं निकाल सकते। आज स्थितियां कुछ सुधरी है, सुधरी इसलिए है कि जब आपने थोड़ा टाइट किया है, दुकानदारों को अपनी दुकानों में शिफ्ट किया है। होता क्या था कि दुकानदार अपना पूरा सामान लेके सड़क पे आ जाते थे और जितनी दुकान थी वो गोदामों को काम करती थी। आज जो है वो सड़कों पे जो दुकान लगा के बेचते थे सामान, वो अब दुकानों के अंदर, तो इसलिए जो है खुला खुला उस वातावरण दिखाई दे रहा है और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अगर ये व्यवस्था कंटिन्यू बनी रहे और इस पे व्यापारी लोग जिनके सबसे बड़े हित है, अगर बाजार खुला खुला होगा तो लोग ज्यादा आना जाना करेंगे और ज्यादा सामान खरीदेंगे वहां से, और बाजार अगर कंजेस्टेड होगा तो लोगों को वहां जाने में दिक्कत होगी, लोग जब दिक्कत होगी जाने में नहीं जाएंगे वहां तो सामान नहीं बिकेगा। दोनों चीजें हैं, तो बाजार में जो बैठे लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनका सबसे बड़ा दायित्व बनता है, क्योंकि वो भी हमारे समाज के हैं, हमारे ही भाई बंद हैं, वो भी हमारे लिए ही बैठे हैं और हम उनके लिए बैठे हैं। तो हम दोनों की जो परिस्थितियां हैं, हम दोनों की जो समस्या है कि हमें जानना मिले और उनको व्यापार मिले, वो दोनों चीजें तब लागू होंगी जब बाजार खुला खुला सा नजर होगा, आने जाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब जो है दोनों की परिस्थितियां सामान्य हो सकती है। अगर इंक्रोचमेंट रखा जाएगा तो व्यापार करने में बड़ी दिक्कत होगी, लोग जाएंगे नहीं। बिल्कुल उमा जी आपके पास आना चाहिए। उमा जी अगर वक्त पर हम सुनते हैं मनमोहन लखीड़ा जी का, उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में कई बार स्थिति ये हो जाती है कि जाने अनजाने किसी को हार्ट अटैक होता है, कोई बीमार होता है, इमरजेंसी होती है, बच्चा बूढ़ा जवान हो, मे भी हाथ पांव किसी का भी आते जाते फिसलते हुए टूट सकता है, तो वहां पे एम्बुलेंस ले जाना बहुत मुश्किल है। इवन अगर मैं अपना पर्सनल तजुर्बा बताऊं तो वहां पे एक मोटरसाइकिल और स्कूटर को ले जाने में भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है। अगर हम धर्मपुर सब्जी मंडी की बात कर लेते हैं, वहां अतिक्रमण हटता है लेकिन हर तीसरे लेकिन क्या वो सरकारी अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार है जिनको वो एरिया दिया गया है कि भाई इस तरीके की कार्रवाई हो। फिर दूसरी देखने वाली बात ये भी है कि अतिक्रमण अगर हम सब्जी मंडी की जहां तक बात करते हैं, सरकारी नियम के अनुसार जो ड्यूटी लगती है उनकी 10 से शाम 5 बजे तक लगती है, अमूमन सब्जी खरीदने वाले लोग 6 से 8 या 9 बजे तक आते हैं, तो उसको किस तरीके से आप वैचारिक पटल पर परिभाषित करेंगे उमा जी? देखिए काला जी, भय बिन होम न प्रेत गोसाई। इस समय जब सरकार ने चालान के जो चालान जो नया मोटर व्हीकल एक्ट जो बनाया है, 10-10 हजार के, 15-15-20 हजार के चालान जो होने शुरू हो गए, उसके बाद मैं देख रही हूँ कि स्थिति सुधरी है। मैं देख रही हूँ कि लोग आगे जो स्कूटर पे जा रहे हैं वो भी हेलमेट लगाए हुए हैं, पीछे वाला है वो भी हेलमेट, 99% लोगों ने 99% लोगों ने काम शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत खतरनाक टाइप का आपको पेनल्टी होने वाली है। पर इतना डर इन अतिक्रमणकारियों को भी हो जाए, सरकार का, गवर्नमेंट का, थोड़ी सा पुलिस का, अगर इतना डर इन अतिक्रमणकारियों को भी हो जाए कि भाई अगर तुम्हारे 6 इंच भी आगे बाहर निकलेगी ना तो अभी 50,000 रुपए का चालान हो जाएगा, और आप कीजिए ना चालान 10-20 लोगों के, आप कीजिए चालान, आपके पास अथॉरिटी है। आप अभी जैसे आपने मुझे बताया कि उन्होंने 10,000 रुपए डेली के हिसाब से पेनल्टी रखी है गवर्नमेंट ने, तो आप करना शुरू कीजिए उस पेनल्टी को। मैं कहती हूँ अगर आपने इस शहर के 10 या 20 व्यापारी के ऊपर भी अगर आपने ये पेनल्टी आपने लगानी स्टार्ट कर दी, तो बाकी व्यापारी अपना सामान कम से कम 4 फुट अपनी दुकान के अंदर रखकर बैठेंगे, क्योंकि पता है 10,000 रुपए डेली की पेनल्टी बहुत बड़ी होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को सख्ती से कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए जो वहाँ की अथॉरिटीज है, जो वहाँ के जिस भी अधिकारी के अंदर अंतर्गत वो एरिया आता है, अगर उस अधिकारी को ये उनको ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो बड़े से बड़ा चालान जो भी है, मतलब उनकी जो उनके ऊपर जुर्माना है वो कर पाए। बिल्कुल उमा जी, आपको लगता नहीं कि अगर हम अतिक्रमण की बात करते हैं तो अतिक्रमण भी एक तरीके का त्यौहार हो गया, हर साल चलाता है? नहीं, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जैसे अभी आपने, मैं अभी आपको उदाहरण दिया कि इस समय 99% लोग स्कूटर जो चला रहे हैं उनके आगे से, आगे वाले के सिर पे भी हेलमेट है, पीछे वाले लोग बच्चे के सिर पे भी हेलमेट है, और लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे खड़े होके अपना वो जो उनका पोल्यूशन कंट्रोल का जो सर्टिफिकेट है वो बना रहा है। इसका मतलब लोगों में डर आ चुका है, लोग टेंशन में है और लोग सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतनी ही सख्ती से सरकार को अतिक्रमणकारियों के ऊपर कदम उठाना पड़ेगा, तभी कहीं जाके, वरना तो आज आप सामान किसी के लिए
जैसे ही तीसरे दिन उनका सामान आता है आप लगाइए ना उनके ऊपर टैक्स, खड़े होकर टैक्स लगाइए, और नहीं लगाते टैक्स तो जेल का जुर्माना होना चाहिए कि आपको कम से कम 10 दिन की 15 दिन की जेल हो जाएगी। दो चार व्यापारियों का आप जेल के अंदर कीजिए, फिर देखिए लोग ऐसा अपना सामान सड़क पर लेकर आते हैं, तो सत्य तो आपको करनी पड़ेगी, बिना सत्य के तो कोई नहीं सुधरेगा। आप 5 साल के बच्चे को बिना सत्य के नहीं सुधार सकते, तो निकम्मे हो चुके हैं यहाँ पे तो लोग। मनमोहन जी आपके पास आना चाहिए। मनमोहन जी अगर हम बात करते हैं चालान की, सरकार ने उसमें सख्ती दिखाई थी, काफी हद तक उसमें सुधार भी हुआ, लेकिन अगर क्या ऐसा संभव था कि माना चालान करते हुए, क्योंकि देखिए चालान कब होता है, जब उस व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है, चालान तब होता है जब उस व्यक्ति के पास कागज पूरे नहीं है, चालान तब होता है जब उस व्यक्ति के पास हेलमेट नहीं है। क्या ऐसा संभव था कि अगर सरकार ऐसे करती कि माना उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो 5,000 रुपए का चालान सरकार पे कट रहा है, वो 1,000 रुपए और काटते इमीडिएटली कोई ऐसी एजेंसी से कॉन्टेक्ट करते कि ऑन द स्पॉट वो उनको हेलमेट प्रोवाइड करा देते, उसमें बेनिफिट मिलता कि देखिए माना किसी का 5,000 का चालान कट गया, वो अगली बार भी नहीं सुधरेगा, फिर दे देगा या नहीं देगा तो उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। लेकिन अगर सरकार ऐसे करती कि चलिए 5,000 को 2,500 कर देती और 1,000 रुपए का उसका हेलमेट खरीद देती, तो शायद अगली बार वो चालान से बचता चला जाता। माना कोई व्यक्ति है जिसकी पूर्ण लाइसेंस की है, खासकर युवा पीढ़ी की हम बात करते हैं, तो वहीं पे फोटो खींचते उसकी फीस, माना कि 1,000 रुपए सरकार लाइसेंस बनाने के लिए दी है और 500 रुपए पेनल्टी भर देती, 1,500 रुपए में उसका लाइसेंस तैयार हो जाता। अगर ये प्रक्रिया होती तो लगता नहीं आपको कहीं उचित कदम होता? नहीं, कुछ प्रदेशों में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है, हमारे प्रदेश में भी किया जा रहा है, लेकिन जनता और सरकार में बैठे लोग हमारे ही बीच के हैं, कभी हम सरकार में कभी हम जनता में, इस प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं। सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को मतलब भय तो दिखाइए पर भय इस प्रकार का ना हो कि जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। ये जो पेनाल्टी लगाई गई है त्राहिमाम त्राहिमाम, अब व्यापारियों पर जो पेनाल्टी की बात कर रहे हैं कि उनपे 10,000 रुपए पेनाल्टी लगाई जाएगी अगर वो अतिक्रमण करते हुए नजर आए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक भी व्यापारी से 10,000 रुपए की पेनाल्टी वसूल करके दिखाइए, मैं जो है आप जो मुझे सजा देना चाहेंगे वो सजा देने के लिए तैयार, क्योंकि व्यापार मंडल ही यहाँ पर इतना भारी भरकम है तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन करता है कि सरकार को बैक होना पड़ता है, घुटने टेकने पड़ते हैं उसके सामने, क्योंकि नेता जो है, तमाम नेता जो है, प्रेमनगर वाले मामले में क्या हुआ आप बताइए, प्रेमनगर मामले वाले मामले में तमाम सरकार पे बैठे सरकार के मंत्री वो जो है सरकार पर दबाव बनाने बैठ गए, और दबाव बनाने के नतीजा ये हुआ कि वहां बैकफुट पे आने पड़ा शासन प्रशासन को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दबाव बनाइए पर दबाव इतना हो कि जितना आप कर सके जितना आप वसूल सके। प्रेजेंट टाइम में आप किसी भी अतिक्रमणकारी से अगर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूल सकते हैं तो मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट आपने। बिल्कुल उमा जी आपके पास आना चाहिए। उमा जी हम बात करते हैं अगर चक्रवर्ती रोड की, एक समय की बात है कि वहां पे निकलना बड़ा मुश्किल होता था, हालांकि सरकार ने वहां कार्रवाई की, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, बीजेपी की चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, क्योंकि उत्तराखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें जब से उत्तराखंड बना है तब से या तो बीजेपी की गवर्नमेंट रही है कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, चक्रवर्ती रोड चौड़ी हुई है, लोगों को कई मिला बेनिफिट मिला। हम गांधी रोड की बात करते हैं, दोनों तरफ किताबों की दुकानें हुआ करती थी, वहां से निकलना दुर्भर हो जाता था, सरकार ने उनको एक अलग कॉम्प्लेक्स बनाया, उनको वहां पे जगह दी गई उनकी दुकान के हिसाब से, माना किसी की एक दुकान है उसको एक दुकान दी, किसी की दो दुकान है दो दुकान दी। लेकिन अगर हम पल्टन बाजार की बात कर लेते हैं, स्थिति आज भी वहां जस की तरह से, माना आज की तारीख में अगर लोग आराम से आ जा रहे हैं लेकिन आप एक हफ्ते बाद जाइएगा फिर यही माल आपको मिल जाएगा, फिर कपड़े वाले आ जाएंगे, क्योंकि जिसकी रोजी रोटी है वो 4 दिन सफर कर लेगा, सालों साल वो बैठ नहीं सकता क्योंकि दूसरी जगह उसको मिलेगी नहीं, और माना उसको दूर मिलती भी है तो वहां कस्टमर नहीं मिलेगा, क्योंकि पल्टन बाजार की अगर हम भौगोलिक परिस्थिति देखें तो वहां रुमाल वाला, वहां टाई बेचने वाला या कोई भी वहां रहता है तो अमूमन कुछ सामान लेते हुए चला जाता है, या ट्रेन की हम बात करते हैं और जगह अगर वो अपनी दुकान लगाते हैं तो वहां दिक्कत आती है। और यही स्थिति अगर हम बात करते हैं प्रेम टाउन के सामने तिब्बत मार्केट में भी आज की तारीख में यही हाल हो रखा, वो पार्किंग के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, वन वे ट्रैफिक और वन वे उन्होंने कर दिया है, तो माना किसी को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो बड़ा घूम के आना पड़ता है। हम अगर राजपुर रोड की बात कर लें, धीरे धीरे राजपुर रोड भी इसकी जद में आ रहा है, अगर हम बात करते हैं अजंता होटल के आसपास की बात हम कर लेते हैं, इवन आरटीओ के ऑफिस आसपास की बात कर लेते हैं, अगर आपको यू टर्न लेना है तो उसके लिए कम से कम आपको सीधा जो चौक है मसूरी डायवर्जन वहां तक जाना पड़ता है, फिर यू टर्न लेके आना पड़ता है। ये स्थिति अगर खासकर हम पल्टन बाजार की बात करें, फिर कभी ऐसी ना आए, इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, तो उसके लिए क्या किस तरीके का सुझाव आपके पास है कि सरकार को इस तरीके का इंप्लीमेंट वहां पे करना चाहिए? देखिए मैं तो काला जी फिर कहूंगी कि व्यापारियों को व्यापारियों के साथ बैठक होनी चाहिए, उनको सख्ती से पता, देखिए
क्या हुआ, पत्र बाजार में गवर्नमेंट ने फुटपाथ बनाए, दोनों तरफ फुटपाथ बनाए, हमें भी बड़ा अच्छा लगा, चलो फुटपाथ पे चलेंगे। जैसे ही फुटपाथ बने उन्होंने शटर लगा लिया उस फुटपाथ पे। आप ये सोचिए, 4 फुट का जो, 5 फुट का, 4 साढ़े 4 फुट का जो फुटपाथ था, उसमें आगे तो लोगों के शटर लग गए। जिसने शटर नहीं लगाया उसने अपने आगे की जगह किराए पे दे दी किसी गरीब को, ठीक है तुम्हारे यहाँ पे अपने कपड़े बेच लो या तुम यहाँ पे अपना छोटा मोटा कोई सामान बेच लो या आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह की दुकान लगा लो। वो उसको डेली के 500 रुपए दे रहा है उस फुटपाथ से, जो पीछे जो जिसकी बड़ी दुकान है वो बैठ के 10,000 12,000 15,000 रुपए महीने में उसने अपना फुटपाथ किराए पे दे दिया। तो ये तो सरासर अपराध है, इसमें मैं बिल्कुल व्यापारियों के साथ नहीं हूँ, ये सरासर ह्यूमैनिटी के साथ, लोगों के साथ, आम जनता के साथ अपराध है। मैं तो कहूंगी कि इसके नियम बहुत सख्त होने चाहिए। भाई साहब ने बोला कि 10,000 रुपए का जुर्माना अगर किसी व्यापारी से आप ले लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। देखिए भाई साहब, इसमें अगर गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तो बड़े से बड़ी मशीनरी फंस सकती है। बाकी तो आप अगर बहाना लेना चाहे गवर्नमेंट की, हम कुछ नहीं कर सकते, व्यापारी हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमें चंगा कौन देगा चुनाव के टाइम, अगर आप ये सब चीजें सोचेंगे तो इस देश का, इस शहर का कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति थी तभी तो चक्र करोड़ तोड़ पाए। मंडा कुमार जो उनकी हलवाई की दुकान थी कुमार की, वो सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी थी वहां पे, सबसे ज्यादा उन्होंने रंगा लगाया हुआ था कि मैं इसको टूटने नहीं दूंगा। लेकिन उसके बाद भी चाहे 2 साल लगे चाहे 5 साल लगे, लेकिन गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, इसलिए वो टूटा। और वो टूटने के बाद उनको दूसरी जगह दी गई और लोगों को वहां से चैन की सांस ली, इस समय चक्रधर रोड छोड़ी है। तो गवर्नमेंट अगर काम करना चाहे तो गवर्नमेंट करेगी, अगर नहीं करना चाहे तो ना करने के तो हजारों बहाने होते हैं, आप कितने भी बहाने आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल मनमोहन जी, आपने याचिका लगाई उच्च न्यायालय में, सरकार ने आपकी बात को सुना। अगर हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं, उनका आदेश आया सरकार के लिए तो सरकार को काम करना पड़ा, क्या कभी ऐसा आपने दबाव या इस तरीके का प्रेशर महसूस हुआ कि ये याचिका आपने लगा दी है तो कहीं अनकंफर्टेबल हल्का सा आपने अपने को महसूस किया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। देखिए हमारा शहर के लोग बहुत शांत स्वभाव के हैं, इस प्रकार की कोई मेरे साथ बातचीत नहीं हुई किसी भी सज्जन की, बल्कि मेरे से उन्होंने सजेशन ही मांगा। जिन लोगों का साथ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही थी उन्होंने मुझसे सजेशन ही मांगी क्या करना चाहिए, और मैंने भी उनको बकायदा सही तरीके से समझाया। मैंने कहा अगर आप अतिक्रमण किए बैठे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, आपने जितना कमाना था वहां से कमा लिया, अब आप उस सड़क को छोड़ दीजिए जिसपे आपका हक नहीं है। नंबर दूसरी बात जो अब मैं आपके पास आ रहा हूँ कि अभी आपने राजीव गांधी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करी, वो गांधी रोड से हटाए गए, आप थोड़ा सा और आगे जाइए जहाँ पर छोटी सब्जी मंडी लगती है, वहां अभी भी स्थिति यह है कि नाली पीछे है, दुकानें आगे सिमटी पड़ी है। और सरकार में बैठे सारे लोगों को पता है, भाजपा के सारे नेताओं को पता है, मेयर साहब को पता है कि नाली कहाँ है और दुकानें कहाँ है, पर वहां अभी भी इंक्रोचमेंट नहीं हटाया गया। आप इसको क्या मानेंगे? इसको ये माना जाएगा कि आप कहने गए किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज वहां भी स्थिति यही है। आप जो है पल्टन बाजार की बात कर रहे हैं, पल्टन बाजार का जो एरिया है ऑन कागज, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ऑन कागज वहां जो है 45 फुट की रोड है। क्या आपको लगता है कि 45 फुट पल्टन बाजार में रोड है, सड़क नहीं है, ठीक। आप घंटाघर से और ऊपर दियारा बाजार तक चले जाइए, 100 फुट की रोड दिखाई गई है, 100 फुट कहीं नजर आता है आपको? ऑन कागज में 100 फुट की रोड है पर कहीं 100 फुट की रोड नजर नहीं आ रही। ये आप अगर आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पूरे देश में एक नारा चलाया कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आपने देहरादून को भी स्मार्ट सिटी में दूसरी तीसरी मरतबा में चयनित करा लिया, अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। पर स्मार्ट सिटी का पहला उद्देश्य क्या है? स्मार्ट सिटी का पहला उद्देश्य यह है कि आपको चौड़ी चौड़ी सुथरी साफ सड़कें होनी चाहिए। क्या आपको देहरादून की कोई ऐसी सड़क स्मार्ट सिटी के लायक नजर आती है? सोच यदि आप कहीं नहीं नजर आती। और आप जब स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता से भी उस बात को कबूल करवाइए ना कि सड़क चौड़ी होगी तो भाई इसमें स्मार्ट हम ही लोग नजर आएंगे, वहां कहेंगे। बिल्कुल उमा जी, अगर हम बात सुनते हैं या इनका वक्तव्य देखते हैं मनमोहन लखड़े जी का, उन्होंने कहा भी छोटी सब्जी मंडी, वाक्य में क्योंकि ये आपका भी तजुर्बा होगा, मनमोहन जी का तो है, हमारा भी एक निजी तजुर्बा है कि जब हम वहां से जाते हैं तो पार्किंग तो बहुत दूर की बात, वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बच्चे, क्योंकि देखिए फोर व्हीलर तो संभव ही नहीं, वो तो एक सपना है, एक ड्रीम है कि अगर कोई फोर व्हीलर लेके वहां से निकल जाए, उसके बावजूद भी कई बार वहां फोर व्हीलर आ जाता है, जाम की स्थिति बन जाती है, टू व्हीलर को निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे मनमोहन लखड़े जी कह रहे हैं कि वहां के लोगों को जाके समझाया जाए कि भाई अगर आप दुकान पीछे करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट भी है, क्योंकि अगर रोड चौड़ी होगी तो पब्लिक ज्यादा आएगी, पब्लिक ज्यादा आएगी तो बिक्री किसकी होगी, बिक्री भी आप ही की होगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहां पे ये आती है कि अगर कोई अपनी गाड़ी को पार्क करना चाहेगा तो उस पार्किंग की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे माना सड़कें चौड़ी हो गई, अगर वहां पे सड़क पे पार्किंग करते हैं तो फिर जाम की 10 की 10 बनी रहेगी, तो उसका क्या एक हल होना चाहिए? या
जो इन सड़कों को जैसा पैरामीटर भी बता रहे लकीड़ा जी कि भाई पलटन बाजार में जो सड़क है 45 मीटर है, राजपुर साइड में जाएंगे तो 100 फीट या 100 मीटर का फीट में फर्क आ जाता है, एक फीट में लगभग एक मीटर में 3 फीट के आसपास हो जाता है, तो उसका भी क्राइटेरिया सरकार को देखना पड़ेगा कि वो मीटर में उसको ऑब्जर्व करते हैं या उसको फीट में ऑब्जर्व करते हैं। तो इन सड़कों को अगर सरकार बड़ी करती है, चौड़ी करती है और उसके बाद फिर अतिक्रमण हो जाता है तो क्या पेनल्टी वाकई में सरकार लेगी? नहीं देखिए काला जी, इसमें मैं फिर कहूंगी कि गवर्नमेंट अगर सख्ती से किसी चीज को लागू करती है तो जनता को शुरू के 10 दिन 15 दिन महीना ही परेशानी होती है, उसके बाद जनता उसमें ढल जाती है और उसके बाद वो चीज हमें अच्छी लगने लगती है। जैसे मैं हेलमेट की बात करूँ, बहुत सिंपल सी चीज है हेलमेट, पहले यहाँ पे देहरादून में वो आगे चलाने वाला भी हेलमेट नहीं लगाता था आज से 2-3 साल पहले तक, हम खुद भी कई बार नहीं लगाया, फिर कोई बात नहीं होती, पुलिस ने नहीं पकड़ना, ठीक है अपना धीरे धीरे स्कूटर चला के लेके जा रहा है, लेकिन क्योंकि सस्ती है हमें पता है 5,000 रुपए का जुर्माना हो जाएगा, बाई चांस घर से बाहर निकली तो घर में हस्बैंड फोन करेंगे कि बेटी का हेलमेट साथ लेकर गई कि नहीं, क्योंकि 5,000 रुपए का जुर्माना है। इतना डर आम जनता में आज अकेले हेलमेट की वजह से हो चुका है। तो अतिक्रमण की बात जो जिससे कि हजारों लाखों की जनसंख्या हमारे देहरादून की प्रभावित होती है इस अतिक्रमण की वजह से, तो उसमें तो गवर्नमेंट को सख्ती दिखानी ही दिखानी पड़ेगी। इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं उमा जी, देखिए हेलमेट लगाना बहुत अच्छी बात है लेकिन वाकई में देखा जाए तो 80% ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने हेलमेट के लिए खानापूर्ति की भी, वो इवन नीचे का जो एक हुक होता है उसको बांधते नहीं है, और हेलमेट भी जो लो कैटेगरी के उसमें हम देखिए अमूमन प्रॉब्लम कब आती है, जब व्यक्ति गिरता है तो उसको सबसे ज्यादा अपना सर को बचाना पड़ता है, हेलमेट ही अगर कमजोर है तो एक्चुअली देखिए ये फॉर्मेलिटी अलग चीज होती है, सख्त कार्रवाई अलग होती है। ISI ब्रांड का हो, बेहतर हेलमेट हो जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, इस तरीके के हेलमेट अगर वो पहने प्रॉपर उसमें क्लिप लगी हुई हो, क्योंकि हमने खासकर युवाओं को देखा है कि वो प्लास्टिक के हल्के से कैप टाइप की रख लेते हैं या बिना उसके अंदर एक थर्माकोल अमूमन होता है, वो थर्माकोल होता ही नहीं, वो खाली केवल हेलमेट होता है, खाली चालान से बचने, बिल्कुल वो तो एक चालान से, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हेड़ा साहब, की केवल चालान से बचने के लिए होता है, लगता नहीं कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आपका हेलमेट किस क्वालिटी का है और इस पर सख्त कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी। नहीं इसमें तो बल्कि मैं कहना चाहूंगी गवर्नमेंट को अपने हेलमेट निकालने चाहिए जिनको जिनका एक अच्छा मानक हो और उनको सब्सिडाइज तरीके से जनता को देना चाहिए। इसमें तो एक सही सही देखिए 500-600 रुपए का हेलमेट खरीदना है गरीब आदमी के लिए, हर आज इस समय स्थिति हो गई कि आपको घर में 2-3 दिन हेलमेट चाहिए, 2-3 गाड़ियां हैं तो एक जो बेचारा पीछे बैठा उसको भी एक हेलमेट चाहिए, तो गवर्नमेंट क्योंकि और बहुत सारी चीजों पे काम कर रही है, वर्क कर रही है, तो उनको एक एक मानक एक हेलमेट का किसी एक कंपनी को देना चाहिए कि तुम्हें इस तरह का हेलमेट बनाना है, मतलब 2-3 कंपनीज पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी इसमें, लेकिन उनका एक मानक सेट करना चाहिए और जो भी नकली हेलमेट बनाता हुआ या इस तरह का कमजोर हेलमेट बनाता हुआ कोई कंपनी कभी पकड़ी जाती है तो उसके ऊपर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, जिस तरह की कार्यवाही आप नकली डिटर्जेंट बनाने वालों पर या नकली घी बनाने वालों पर या नकली तेल बनाने वालों पर या नकली दूध बनाने वालों पर, तो वही कार्यवाही या नकली हेलमेट बनाने वालों पर भी होनी चाहिए, क्योंकि आपका हेलमेट जो है सरकार के बनाए हुए सुरक्षा के जो नियम है जो उसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो मजबूती होनी चाहिए उसको आप पूरा नहीं कर रहे, तो या तो गवर्नमेंट को खुद हेलमेट बना के देने चाहिए या फिर उनको एक नियम बनाना चाहिए और जो भी उस नियम को मतलब गलत पाया गया उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, उसका भी दोबारा से चलाना होना चाहिए ताकि लोग अच्छे हेलमेट खरीदे और अपनी सिक्योरिटी करें, ये जनता की सिक्योरिटी नहीं या चलान की वजह से आप हेलमेट मत पहनिए। एक प्रश्न आपको दे देता हूँ लखेड़ा साहब जी, लखेड़ा जी अगर हम बात करते हैं सब्जी मंडी में तो वहां पे दिक्कत ये होती है, चाहे हम बात करें तहसील के पास सब्जी मंडी की चाहे धर्मपुर सब्जी मंडी की बात करें, वहां पे स्थिति ये हो जाती है कि एक अतिक्रमण है, उन्होंने जो फुटपाथ पे अपनी ठेलियां लगा रखी या अपनी सब्जी की दुकानें लगा रखी। दूसरी दिक्कत ये आती है कि हम तहसील के पास की, मैं पूरा कह रहा हूँ कि तहसील के पास की चाहे हम बात करें या धर्मपुर सब्जी मंडी की, वहीं पे गंदगी का ढेर भी है, जब से गुजर पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं सब्जी की आड़ में हम बीमारियां खरीद रहे हैं? उसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप सारा जनता पे ही लोड डालना चाह रहे हैं, सरकार अपनी जवाबदारी से बच रही है। एक हमारे मित्र थे मनोज खंडवाल, राष्ट्रीय सारा समय में थे, उनका एक्सीडेंट के दरमियान गड्ढे में जो उनकी गाड़ी स्लिप हुई, पत्थर पे सर टकराया और वो खत्म हो गई बेचारे। वो दुर्घटना जो है हमारे पत्रकार बंधु की हुई है और उनकी डेथ हो गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसी सिचुएशन में भी सरकार को जनता के लिए कोई ना कोई मार्ग खुला रखना चाहिए। आप आज पूरे देहरादून में चले जाइए, सर्वे करवाइए, तमाम सड़कें गड्ढों से, इतनी भयंकर बारिश की वजह से इतने गड्ढे रही हो रखी है, गड्ढे वाली सड़कें हो रखी है, आम आदमी का दुर्घटना होना जरूरी है।
इसमें इसमें क्या ऐसा संभव हो सकता है मनमोहन जी की माना, जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए जहां तक कंडवाल जी की बात है, मैं निजी तौर पर उनको जानता था जी, मैं पहचानता भी था उनको बिल्कुल, जो ये दुखद दुर्घटना हुई है, क्या ऐसा संभव है कि सरकार इस तरीके का कानून लाए कि जिस इलाके में इस तरीके की घटना हो जाती है तो जो वहां का अधिकारी है या जो डिपार्टमेंट है, क्यों ना उनके फंड से, उनके ईपीएफ से उसका पैसा निकाल के उसका ट्रीटमेंट किया जाए, ये सख्ती भी हो जाएगी और शायद इस तरीके की लापरवाही नहीं होगी। नहीं, अधिकारियों पे जवाबदेही जब तक आप तय नहीं करेंगे, आप जनता पे तो जवाबदेही तय कर रहे हैं कि हेलमेट पहन के चलिए, पर हेलमेट पहनने के बावजूद अगर सरकारी सड़क के गड्ढे से उसकी मौत हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस बात पे कोई अभी तक चर्चा नहीं हो रही है, इस बात पे कोई, सारी जवाबदारी जनता के ऊपर। पॉल्यूशन चेक करने की बात के लिए आप बताइए, आप शहर में घूम रहे हैं, उमा जी घूम रही है, टू व्हीलर वाला पॉल्यूशन की लाइन पे है, आपने जो विक्रम वाले को किसी को पॉल्यूशन की लाइन पे नहीं देखा, जबकि सबसे ज्यादा विक्रम जो है, बहुत अच्छी बात आपने कही मनमोहन जी, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन, चाहे हम सिटी बस की हम बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बसों की बात कर रहे हैं, डीजल गाड़ियों की खासकर अगर हम बात करते हैं या विक्रम की बात करते हैं, हाँ ई रिक्शा उससे हम किनारे कर देते हैं, विक्रम जो है सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वही फैलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टू व्हीलर वाले हैं वो अपने को हल्का सा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं कि हम अब तो आजकल जो नई गाड़ियां हैं जीरो पॉल्यूशन पे आ रही हैं, उनको पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं कि वो 5-5 घंटे लाइन में लगे हुए और विक्रम वाले चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ हो सकता है टाई अप हो या जो भी उनका सिस्टम होता हुआ। उमा जी आपके पास आना चाहूंगा। उमा जी, एक प्रश्न जो हमने मनमोहन लखड़ा जी से लिया था वही प्रश्न मैं दोबारा आपसे ले लेता हूँ कि सब्जी मंडी में जिस तरीके से सब्जियां बिक रही है वहीं पे गंदगी का ढेर है, कभी ना कभी आपको रूबरू होने का मौका मिला होगा तहसील के पास, तो लगता नहीं कि हम सब्जी की आड़ में बीमारियां घर लेके जा रहे हैं? देखिए, बीमारियों में अगर आप बात करें तो इस समय जितने पूरी तरह देहरादून डेंगू से ग्रसित है, हर घर में मैंने देखा कि किसी किसी घर में तो पूरा परिवार हॉस्पिटलाइज है, एक बेचारा भाग दौड़ के किसी का खून लेके आ रहा है, किसी के प्लेटलेट्स लेके आ रहा है। इस समय हमारा देहरादून इस गंदगी की वजह से, डेंगू क्यों फैला हुआ है देहरादून में, सीतापुरम की फॉगिंग नहीं हुई, सफाइयां नहीं हुई, नालियां साफ नहीं हुई, कोई बरसात में नगर निगम कहीं भी काम करता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो जब इतनी बुरी स्थिति डेंगू की देहरादून में हो सकती है, अकेले डेंगू देहरादून शहर में कम से कम 3,500-4,000 लोग तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से डेंगू ग्रस्त है, और कितने तो वैसे जिनका घरों में इलाज चल रहा है, तो मैं समझती हूँ ये आंकड़ा कम से 15,000 या 20,000 के आसपास जरूर होगा देहरादून में डेंगू का। बिल्कुल ठीक है, इतनी बुरी स्थिति डेंगू की यहाँ हो सकती है तो सब्जी मंडी की सफाई, वहां से रोज कचरा उठाना, वहां से उसकी सफाई करना, ये सब तो आप भूल ही जाइए। बिल्कुल, बल्कि हम तो निवेदन करेंगे सरकार से कि जब इनके लार्वा पनपते हों उससे एक महीने पहले अगर फॉगिंग हो जाए तो शायद वो लार्वा पनप ही नहीं पाए। कई बार ऐसा होता है कि मच्छर के लार्वा पनप जाते हैं, उसके बाद अगर फॉगिंग होती है तो उसका बहुत ज्यादा यूज रह नहीं जाता। उमा जी, मनमोहन कंडवाल जी, आपने आईटीवी हिंदुस्तान को अपना समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं अगर NH-72 IMA के पास की, तो जिस तरीके से वहां से अतिक्रमण हटा, सरकार ने सख्त कार्रवाई की, कहीं ना कहीं सरकार की तारीफ होनी चाहिए। अगर हम पटन बाजार के अतिक्रमण की बात करते हैं, सरकार ने वहां प्रयास किया तो कहीं ना कहीं वहां सरकार की पीठ भी थपथपानी चाहिए। अगर हम दाल कोसी योजना की बात करते हैं, सरकार की तारीफ होनी चाहिए, कम से कम गरीब जनता के लिए उन्होंने सोचा है। अगर हम बात करते हैं ऑल वेदर रोड की, 12,000 करोड़ रुपए 900 किलोमीटर की रोड सरकार बनाती है, तो कहीं ना कहीं वहां भी सरकार की तारीफ होनी चाहिए। अगर सरकार कहीं ना कहीं सख्ती नहीं करती तो वहां घेरने का भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन अच्छे काम की सराहना भी होनी चाहिए। और आईटीबी ये जरूर कहना चाहेगा कि अतिक्रमण की जद में आई जाते हैं गरीबों के आसियाने, हुक्मरानों को चमकती इमारतें नजर नहीं आती। इसी के साथ देखते रहिए आईटीबी हिंदुस्तान, नमस्कार।